अयोध्या थाना कैंट के आरटीओ बाईपास मार्ग पर एसयूवी गाड़ी से हजारों रुपए की अवैध शराब बरामद की गई। हरियाणा ब्रांड की शराब एसयूवी गाड़ी में अवैध रूप से ले जाई जा रही थी। खास बात यह है कि जो गाड़ी बरामद हुई उसके पीछे पुलिस को मोनोग्राम लगा हुआ था। पुलिस के अनुसार यह अवैध शराब हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस को इस अवैध शराब की तस्करी की जानकारी तब हुई जब एसयूवी गाड़ी खड़ी ट्रैक से टकरा गई और उस पर रखी शराब की बोतलें सड़कों पर गिर पड़ी। मौका देख राहगीरों ने भी सड़क पर पड़ी शराब की बोतलों को उठा ली और चलते बने। उसी बीच इस घटना की सूचना पुलिस और आबकारी विभाग को मिली। तब पुलिस और आबकारी विभाग मौके पर पहुंची और जो बची शराब की बोतल थी उसे बरामद किया। गाड़ी के अंदर 3 नंबर प्लेटें मिली जिनका नंबर फर्जी बताया जा रहा है। इन्हीं नंबर प्लेट के माध्यम से यह एसयूवी गाड़ी हरियाणा से बिहार शराब तस्करी का कार्य कर रही थी। गाड़ी में सवार लोग एक्सीडेंट के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस इस गाड़ी की चेकिंग नंबर के माध्यम से गाड़ी मालिक के बारे में ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस घटना को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि अयोध्या मार्ग को शराब तस्करी के लिए शराब माफिया सबसे सरल माने जा रहे हैं। अयोध्या मार्ग को शराब तस्करी के लिए शराब माफिया सबसे सरल मान रही हैं, या यूं कहें कि अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण नगरी में आबकारी विभाग और पुलिस विभाग निष्क्रिय है। मिली लगभग करीब 7:30 बजे कि बाबा ढाबा जो कि सादतगंज चौकी के अंतर्गत आता है हाईवे पर, वहां पे किसी अज्ञात वाहन ने एक सफारी को टक्कर मार दिया है। इस सूचना पर हमारी PRV 905 और 898 वहाँ पर मौके पर पहुँची और उन्होंने देखा कि ये क्षतिग्रस्त है वाहन सफारी और उसमें कुछ अवैध शराब कहीं जा रही थी। तो शराब को फिर उसका अवलोकन किया गया तो उसमें पाया गया कि ये हरियाणा में शराब थी जो कि केवल हरियाणा में बिकने के लिए थी। ये अब कहाँ जा रही थी क्योंकि कोई उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाया, ना कोई अरेस्ट हो पाया, हमारे उसमें कस्टडी में नहीं आ पाया, जिससे पूछताछ करके ये नहीं जान पाए कि कहाँ ये शराब जा रही थी। पर ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं पूर्व के क्षेत्रों में या अन्य स्टेटों में पूर्व के जा रही थी। सर ये घटना कितने बजे की? ये लगभग एकदम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है लेकिन लगभग 7:30 से 8 के बीच में। सर कितनी बोतल मिली गाड़ी में? कितने लोग थे? हमारी कस्टडी में लगभग 150 बोतल आई है। और गाड़ी में कितने लोग थे कितने नहीं थे, कहाँ जा रही थी, इस बारे में अभी इसलिए सूचना नहीं है क्योंकि हमने देखा कि उसमें नंबर प्लेट 2 रखे हुए थे तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ना कोई मौके पे मिला है। पूरे शहर में अलर्ट चल रहा है और जिस तरह से जो है उमेश तिवारी का मामला चल रहा है, हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों की पकड़ की जो है मतलब इनाम भी घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी गाड़ी शहर में आ जाना, अज्ञात गाड़ी है, ना नंबर है, ना कुछ है, क्या कहते हैं इसमें? आ नंबर लगा था इसमें लेकिन चूंकि एक्सीडेंट था तो नंबर टूट गया होगा और क्षतिग्रस्त है नंबर प्लेट, तो एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि ऑन द स्पॉट हम नहीं थे। तो जब मौके पे देखा गया तो क्षतिग्रस्त नंबर पड़ा हुआ था वहां पर, तो उसको कब्जे में ले लिया गया है। पूरी जांच की जा रही है, जैसे भी होगा विवेचना से ये तथ्य सामने आएगा कौन था ये, कैसे थे। बाकी अलर्ट के रूप में हमारे पूरे क्षेत्रों में हर जगह चेकिंग हो रही है। अब ये कैसे पास हो गया, किस स्तर से पास हो गया, इसमें जांच।